हेलो सो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी बाबा जिसमें एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लैक्स ऑन टेबलेट के बारे में ये फ्लैक्स ऑन टेबलेट होता क्या, क्या फायदे है क्या इसके फ़ायदे होते हैं क्या इसका उपयोग होता है और इसके क्या क्या इसके नुकसान संभव हो सकते हैं इन सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों पूरा आपको देखना है जिससे आपको फ्लेक्स ऑन टेबलेट के बारे में पूरा पता चल सके ये क्या क्या इसके फायदे हैं दोस्तों ठीक है हम बात करते हैं फ्लेक्स ऑन टेबलेट के बारे में जो आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है दोस्तों जिसका उपयोग आप अनेक प्रकार के संक्रमण में कर सकते हैं दोस्तों चाहे दर्द हो यानी कि दर्द सिर दर्द हो सूजन को कम करना हो मांसपेशियों का दर्द हो या फिर दांत का दर्द हो या मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से छुटकारा लेना हो दोस्तों ठीक है इन सभी में इसका यूज किया जाता है दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कंपनी के बारे में तो ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है यानी कि फ्लेक्सोन टेबलेट को दोस्तों ठीक है अब हम बात करें इसमें मिला क्या क्या होता है दोस्तों तो इसमें एक तो मिला होता है पैरासीटामोल जो तीन सौ पच्चीस एम जी इसमें मिला होता है दोस्तों इसके अलावा एक मिला होता है इसमें आईब्रो जो कि चार सौ एम जी इसमें मिला होता है ठीक है अब हम बात करते हैं फ्लैक्सॉन टेबलेट कैसे काम करता है दोस्तों फ्लेक्सॉन टेबलेट तंत्रिका तंत्र में उन केमिकलों मैसेजरों को नियंत्रित करने का काम करती है जो दर्द के लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों ठीक है जिससे सिरदर्द मांसपेशियों का दर्द या फिर दांत का दर्द आदि से आपको राहत दिलाने का काम करता है फ्लेक्सोन टेबलेट दोस्तों तो। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सोन टेबलेट के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं बुखार हो सिर दर्द हो बदन दर्द हो जोड़ों का दर्द हो मांसपेशियों का दर्द हो मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द कान का दर्द दांत का दर्द घुटने का दर्द रूमेटाइट गठिया ठीक है रूमेटाइट यानी कि गठिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा भी फ्लेक्सोन टेबलेट का बहुत सी बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है इसके बारे में मैं आपको पूरी आप डॉक्टर के बारे डॉक्टर से इसके बारे में पूरी सलाह ले दोस्तों ठीक है इसका और किन किन में इसका यूज किया जाता है अब हम बात करेंगे अंत में इसके जो नुकसान होते हैं ठीक है यानी कि इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उनके बारे में बात करें तो जैसे पेट दर्द उल्टी या फिर मतली आना चक्कर आना दस्त लगना सीने में जलन होना सांस लेने में कठिनाई होना सिर दर्द रहना अपच होना ये इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा हम बात करें इसके जो गंभीर यानी कि फ्लेक्सोन ऑन टेबलेट को लेने में जो सावधानी बरती जाती है उसके बारे में बात करें तो लीवर और किडनी से पीड़ित मरीज़ों को इस दवा की सावधानी से प्रयोग करना चाहिए जो लीवर और किडनी के पेशेंट होते हैं उनको लेने से उनको ये टेबलेट लेनी होती है तो सावधानी से ले दोस्तों एल्कोल के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करें यानी शराब के साथ या फिर जो भी एलकोल से संबंधित जो है उनके साथ इसका इस्तेमाल न करें और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं वो इस दवा को लेने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें गर्भवती यानी गर्भावस्था के दौरान भी इसका इस्तेमाल करने के लिए भी आप डॉक्टर को इसकी सलाह ले दोस्तों इसके अलावा आप किसी भी अन्य दवाई का सेवन कर रहे हैं तो भी आप डॉक्टर सला की सलाह जरूर लें यानी कि डॉक्टर की बिना सलाह के आप टेबलेट इसको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं यानी कि नुकसान इसके आपको देखने को मिल सकते हैं अब हम बात करें जैसे फ्लेक्सोन टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें फ्लेक्सोन टेबलेट का इस्तेमाल वैसे तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें फिर भी अगर आप ये आपको मेडिकल स्टोर पे या फिर गाँव में जो स्टोर होते हैं उन पर भी आसानी से मिल जाती है और आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक और राहत पहुंचाने वाली टेबलेट होती है दोस्तों ठीक है हम बात करते हैं इसको अंतिम जो बात है मैं बता दूँ दर्द को बाय करने के लिए फ्लेक्सोन टेबलेट एक बेहतरीन दवा है परंतु असर दिखाने वाले में एक अच्छी दर्द निवारक दवा भी मानी जाती है फ्लेक्सोन की खूबियों को समझने के लिए भी आपको वीडियो को पूरा देखा है जो इसकी खूबी होती है उसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देख लाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम बात करेंगे इसका अंत में इसको किस तरीके से लेना चाहिए इसको आप चार बार ले सकते हैं दिन में कम से कम चार बार लेकिन एक बात का ध्यान रखें इसको चार से छः घंटे के अंतराल के बाद ही ले दोस्तों ठीक है इसको आपको ध्यान रखना है इसके अलावा हम बात करें इसके असर के बारे में तो ये तीस मिनट से एक घंटे यानी साठ मिनट के में आप ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है दोस्तों तीस मिनट इसमें कम से कम लगते हैं दोस्तों ठीक है अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर दें और घंटे वाले निशान पे जाके क्लिक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे से आगे शेयर करें दोस्तों धन्यवाद ऐसे ही मैं आपके लिए रोचक वीडियो लेकर आता रहूँगा दोस्तों